यस वी आर स्टार्टिंग फ्रेंड, मैं आप सभी का दोस्त स्वागत करता हूँ आज की वीडियो में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डेट का जो पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2016 प्राथमिक स्तर पे, यानी कि क्लास 1 to 5 जो पेपर हुआ था, और उस पेपर के बारे में आज हम व्याख्या सहित प्रथम प्रश्न पत्र का हल भी यहाँ पे देखेंगे। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये पेपर 19 दिसंबर 2016 को हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही है, जो कि यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सीडीपी का जो सेक्शन है 30 क्वेश्चन, वहाँ से जो पूछे जाते हैं, उन सारे ही क्वेश्चन के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सीडीपी का यह फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि 2016 में पूछा गया था। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आंसर भी मैं आपको दिखाते चलता जाता हूँ साथ में, और उसके एक्सप्लेनेशन को भी मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा। तो जहाँ भी जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या भी कोई भी आपको समस्याएँ आती हैं, तो निश्चित ही आप उसे कमेंट बॉक्स पर हमें बताइएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो जो पियाजे जी हैं, वो मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो आप सभी को पता है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। आइए कुछ एक्सप्लेनेशन में बता देता हूं मैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया। इन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतर क्रिया पर निर्भर करता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, जिसे वो संगठन, अनुकूलन और थर्ड वन, आत्मसातन और साथ ही साथ सामंजन, इन सारे ही नामों से उसको पुकारते हैं। सो ये संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे जी की कुछ थ्योरी से यहाँ पे कुछ चीज़ बताई गई है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा जा रहा है, आइए बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से डिस्कस कर देता हूँ। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर नंबर सी है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, द्विपार्श्विक अंतरण। ये क्या होता है, आइए मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि मानव शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक दायां दूसरा बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है, तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग बाएं हाथ से लिखने में करना, तो यहाँ पे इस प्रकार का जो लाभ मिल रहा है वो किसके थ्रू मिल रहा है, तो आप बताएंगे द्विपार्श्विक अंतरण के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यस, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है, उसे क्या बोलते हैं। तो बहुधा नाम से समझ में आ रहा है, जो अधिक बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। तो ये तो मैथ का भी क्वेश्चन है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सीडीपी में भी पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का भाग है, जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में जिस प्राप्तांक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सूत्र क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है वो सूत्र है 3 median - 2 mean, इट मीन्स 3, यहाँ पे आप कह सकते हैं मीन
माइनस मीडियम। तो ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। खैर यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, बट एक बार आप इसको देख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, आइए यहाँ पे देख लेता हूँ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि क्रिया प्रसूद अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डेड डैश ने किया था। तो क्रिया प्रसूद आपको ध्यान में आना चाहिए, मैंने 2018 का आई थिंक क्वेश्चन करा था, तो वहाँ पे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सो जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं गाइस, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए आप लोगों को ध्यान से प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ के जाना है। तो क्रिया प्रसूद अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आपको पता है स्किनर जी इसके प्रतिपादक हैं। सो यहाँ पे आंसर नंबर बी क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ बताता हूँ मैं आपको इनके बारे में। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूद अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार पावलाग, अब बात करें पावलाग जी, ये तो स्किनर की बात होगी, पावलाग की बात करते हैं तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लेता है पावलाग के बारे में, तो उन्होंने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया था, प्रयोग उन्होंने कुत्ते पे किया था। थंडाई की बात करें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जो बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था। और कोहलर का अगर बात करें तो सूज का सिद्धांत उन्होंने दिया था, और इन्होंने बंदर पे प्रयोग किया था। सो यहाँ पे आपका ये जो आंसर है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपके पावलाग, थांडाई का, कोहलर से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन सारे टॉपिक को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए बात करते हैं आपका नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आइए बात कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आपके बारे में बताया जा रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं, तो अगर आपने इनकी थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता है ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से बिलोंग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 या 71 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरे को देखकर, सुनकर और साथ ही साथ समझकर सीखता है। तो यहाँ पे समाज को आप कह सकते हैं इन्होंने बेस माना है कि अधिगम हम थ्रू सोसाइटी करते हैं। तो इट मीन्स अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि हम समाज में जो कुछ भी सीखते हैं वो हम देखकर, सुनकर और समझकर सीखते हैं, इसीलिए वे सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे ज़्यादा बल देते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो जो मानसिक आयु का प्रत्यय है वो किसने दिया था, तो ये आपको पता होगा, बिने जो साइमन जी हैं इन्होंने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। तो आइए मैं इनके बारे में बता देता हूँ। मानसिक आयु एक दूसरे तरह की आयु है जिसका प्रयोग बुद्धि मापने में मनोवैज्ञानिकों ने अधिक किया है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन बिने तथा साइमन ने किया था। तथाइक आयु से तात्पर्य व्यक्ति के जन्म से लेकर आज तक की आयु से होता है, जबकि मानसिक आयु उनकी बुद्धि लब्धि होती है। तो इसको आपको पता है आईक्यू में हम जब निकालना होता है, हमारा आईक्यू या बुद्धि लब्धि निकालना होता है, तो हम किस फार्मूले से निकालते हैं। तो आपको भी पता होगा कि जो मेंटल एज होती है, जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है, इट मीन्स मानसिक आय अपॉन तथैतिक आय, जिसे आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल एज भी बोलते हैं, और उसमें मल्टीप्लाई जब हम 100 का करते हैं तो हमारा बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू निकल के आ जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए नंबर, दैट इज बिने एंड साइमन ने। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आइए मैं बात कर लेता हूँ क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये थॉर्नडाइक जी ने दिया था, तो ये सीखने के नियम है, तनाव का नियम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा भी, ध्यान रखिएगा नहीं बट कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, इसलिए नहीं को आप ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तनाव का नियम, अन्य तीन तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर बनेगा वो बी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रखा है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव के बारे में अभी मैंने आपको बताया किस पर उन्होंने प्रयोग किया था, तो पावलोव उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलोव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर
अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे पर स्किनर द्वारा और बंदर पे कोहलर या फिर कोफा ने प्रयोग किया था। सो ये आपको पार्टिकुलर टॉपिक याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखो, अभी हमने आपको बताया था सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो थॉर्नडाइक जी तो है नहीं, और पावलोव जी की अभी बात नहीं करेंगे, वुडवर्थ इसमें तो नहीं आते, तो बचे कौन, सिर्फ बचते हैं कोहलर जी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में बता देता हूँ। आई थिंक जस्ट अ मिनट, यस। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बताया जा रहा है कि कोहलर सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। साथ ही साथ बताते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूज से होता है। इन्होंने बंदर पे इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे बताते हैं, सीखने का जो सिद्धांत है वो किसी अभ्यास या प्रशिक्षण से नहीं आता, बल्कि अचानक किसी सूझ या फिर अपने माइंड का इस्तेमाल करने से वो लर्निंग होती है, वो अधिगम होता है। तो ये इस सिद्धांत पे बल देते हैं, और इन्होंने प्रयोग किया था किस पर, बंदर पे। तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, आइए मैं आप बता देता हूँ। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है, आइए मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो ये क्या है। तो यहाँ पे आपको पता है ये प्रेरणा है। देखो, सिंपल सी बात ये है कि कोई भी कार्य आप जब प्रारंभ करते हैं और जारी रखते हैं और साथ ही साथ नियमित करते रहते हैं, तो ये कैसी प्रक्रिया हुई, तो ये प्रेरणा की प्रक्रिया हुई। क्योंकि प्रेरणा मतलब आपको पता है अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि जब मोटिवेशन होता है तभी आप कोई काम आरंभ कर पाते हैं, जारी रख पाते हैं और नियमित कर भी पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से ये मोटिवेशन आती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने, साथ ही साथ नियमित करने की प्रक्रिया है। और ये जो शब्द है गुड के अनुसार है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये स्टेटमेंट उठा के पूरा पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया है, तो ये गुड महोदय ने इस पार्टिकुलर अभिप्रेरणा का स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछे रहा है विस्मृति, एक मिनट। सो यहाँ पे पूछे रहा है कि विस्मृति कम करने का उपाय है। तो जो विस्मृति है, जिसे आप फॉरगेटिंग बोलते हैं, भूलना कहते हैं इसे हिंदी में, तो इसका कम करने का क्या उपाय है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि पाठ की पुनरावृत्ति। तो जब विस्मृति हो, यानी कि आप जब कोई चीज़ें भूल रहे हों, तो इसको कम करने का उपाय है कि पाठ की आप पुनरावृत्ति कर लें, तो ऐसे में आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो बताया क्या जा रहा है, जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभवों या सीखी बातों के को चेतन में लाने में असफल हो जाता है, यानी उसे याद नहीं कर पाता, तब उसे विस्मृति कहते हैं। विस्मृति का मतलब ही होता है भूल जाना। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सीखी गई बातों या अनुभवों को पुनरावृत्ति की जाती रहे। यानी आपको पता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। तो आप बार बार वीडियोज़ देखते हैं, बार बार थ्योरीज पढ़ते हैं, तो जब आप भूल जाते हैं तो उसको ही विस्मृति कहते हैं। और आप उन सारी चीज़ों को भूले ना, याद रखे रहें, इसलिए आप वीडियोज़ को या फिर आप थ्योरीज़ को बार बार पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, और पुनरावृत्ति करने से आपको पुनः चीज़ें याद आ जाती हैं। तो यही बताया जा रहा है कि विस्मृति कम करने का उपाय क्या है, आप चीज़ों की पुनरावृत्ति करते रहें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 12 है, जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूछा जा रहा है कि क्रोध व भय प्रकार है, किस प्रकार का ये भय है। तो क्या ये संवेग है, परिकल्पना है, या फिर अभिप्रेरणा है, या फिर मूल प्रति है। तो क्या है क्रोध, जो वह भय है, ये क्या है, किस प्रकार का ये चीज़ है, तो आपको बताना है। सो इसको आप कमेंट बॉक्स पे आंसर बताइए। चलिए मैं आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको
आई थिंक कल की ही क्लास में या फिर जो मैंने 2018 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया था वहाँ ये क्वेश्चन जरूर आया था। आपने देखा होगा मूल प्रवृत्ति के बारे में हमने देखा था, वहाँ पे एक्चुअली संवेग के बारे में था। हमने बताया था कि मैकडूवेल जी ने यहाँ पे 14 संवेग दिए थे और साथ ही साथ उसमें जो आंसर नंबर आपका बी है वो क्लियर हुआ था। तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्रोध और भय एक प्रकार का संवेग है, एक इमोशन है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है। क्रोध व भय संवेग के प्रकार है, मैकडूवेल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ आंगिक प्रतिक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन, तो ये जो कुछ भी है ये सब संवेग के कारण होता है। सो यहाँ पे क्रोध व भय प्रकार है किसका, संवेग का। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह व्यवहार की नकल है क्या है, दूसरे व्यक्ति की बाह व्यवहार की नकल क्या है। तो ये बन जाएगा आपका अनुकरण। इट मीन्स आप जब अनुकरण करते हैं तो यहाँ पे वही आपका बताया जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के बाह व्यवहार की जो नकल करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, अनुकरण। तो दूसरे व्यक्तियों के बाह व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें निदर्श या मॉडल्स कहा जाता है। जैसे आप कई बार किसी भी व्यक्ति को आप अपना एज अ मॉडल बना के उनके जैसे बनना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको निदर्श या मॉडल्स कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, बोलते हैं तो मतलब मदद ही कर रहे हैं तो नकारात्मक हो नहीं सकता। सीखना बस नहीं होगा, प्रशिक्षण स्थानांतरण की भी बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण हो जाएगा आंसर। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में कहा जा रहा है कि सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को, यानी कि आप जब कोई चीज़ याद करते हैं और याद करने के बाद उसको पुनः स्मरण करते हैं, ठीक है, लेकिन आप पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको कल्पना, कल्पनात्मक की तो बात हुई नहीं है तो ये तो नहीं होगा। स्मृति, तो जब याद ही आ जाएगी, मेमोरी ही आपकी ठीक होगी तो फिर असफलता की तो कोई बात ही नहीं करेंगे, तो ये भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान, यानी जब आप कोई कंसंट्रेशन कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे तो आपका माइंड कॉन्शियस होता है, तो इसमें कोई असफलता तो आपको मिल नहीं रही, इसलिए ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। रही बात विस्मृति की, तो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में आई थिंक डिस्कस किया था कि विस्मृति का मतलब ही होता है जब आप चीज़ों को याद करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, विस्मृति। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है। जब सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पटल पे ना लाए जा सके उसे विस्मृति कहते हैं। यानी जो आपने पढ़ा है वो आपको पार्टिकुलर टाइम पे याद ना आए जब आपको काम हो, तो ऐसी स्थिति को हम विस्मृति के नाम से जानते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, तो कैसा माना जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन नंबर आपका ए क्लियर, एक मिनट, यस यस, समान। यहाँ पे आपको पता होगा जो टर्मन जी हैं वो बताते हैं 90 से लेकर 100 के बीच में जो बुद्धि लब्धि है वो बालक की कितनी होती है, तो उस टाइप के जो बालक होते हैं वो समान बुद्धि के बालक कहलाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये समान बुद्धि के बालक होते हैं 90 से 100 IQ वाले। अब चलिए बात करते हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, यस। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टर्मन जी क्या बताते हैं। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है, तो वो बताते हैं 130 से जो अधिक है उसको प्रतिभाशाली बुद्धि वाले बालक कहेंगे, जो 121 से 30 के बीच में उसे प्रखर बुद्धि वाला बालक कहेंगे, जो इस 111 से 120 के बीच में है उसको तीव्र बुद्धि वाला बालक कहेंगे, जो 99 से 110 के बीच में है उसे समान बुद्धि वाला बालक कहेंगे, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फिर 81 से 90 के बीच में है तो वो मंद बुद्धि है, 71 से 80 के बीच में तो अल्प बुद्धि है, और 71 से कम है तो वो जड़ बुद्धि है। तो ध्यान रखिएगा, ये टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण अपने अकॉर्डिंग किया था। अब चलिए बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कहा जा रहा है कि हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो जो हॉल महोदय जी हैं उनका सिद्धांत जो है वो किसकी व्याख्या करता है, तो शायद आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में व्याख्या करते हैं हॉल महोदय अपने सिद्धांत में। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, यस, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट रुकिएगा, यस, कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास के बारे में बताया था। और क्या है, और इन्होंने क्या बात करी है, और इन्होंने कहा है कि इस पुस्तक में क्या था कि इसमें कहा जा रहा है कि आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया गया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वो अकस्मात होते हैं। तो एडोलसेंस नामक बुक में स्टैनले हॉल जो होते हैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी परिवर्तन आते हैं किशोरावस्था में वो सारे अकस्मात होते हैं। तो इसको भी ध्यान से आप पढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था। तो मानव व्यक्तित्व के जो मनोलैंगिक विकास है उसको किसने महत्व दिया था, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, दैट इज फ्रायड। तो मनोलैंगिक विकास के बारे में फ्रायड जी बताते हैं। तो आइए मैं इनके बारे में बता देता हूँ। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया, जिनमें से क्या क्या नाम है तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट नाम उन्होंने बताया मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था या फिर जानेन्द्रिय अवस्था। तो ये कुछ वो आप कह सकते हैं 5 अवस्थाएँ हैं जो सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताए गए हैं। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित किया था। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम पाठशाला है, प्रयोगशाला है स्पेशली, किसने स्थापित किया था, तो ये डब्ल्यू जो वुंट जी हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो इनके बारे में ये मैं बता देता हूँ, विलियम मैक्स मिलियन वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। सन 1879 में जर्मनी के लेपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से ही मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माने जाने लगा। यानी कि इसके पहले इसको हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कोरिलेट करके पढ़ते थे, लेकिन जब इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में विश्वविद्यालय में इसकी प्रयोगशाला की स्थापना करी, तो इस विषय को उस टाइम के बाद से एक अलग विज्ञान के रूप में या फिर कह सकते एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो किसने रखी थी, तो आपको पता है जो मैक्स वर्डाइमर हैं या वर्डीमर यहाँ पे लिखा है, कई बार वर्डाइमर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला है किसने लिखी थी, तो मैक्स वर्डाइमर। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोविज्ञानी जिसमें से मैक्स वर्डीमर, गोल्फगैंग कोहलर, कुर्ट कोफा तथा कुर्ट लेविन, ये सारे वो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। और स्पेशली इसमें 4 जर्मन हैं, मैंने आपको नाम बता दिया है, और आधारशिला रखने की जो आप कह सकते हैं श्रेय है वो जाता है मैक्स वर्डाइमर को। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो जो संघनन का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, दैट इज स्मृति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मृति यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि
संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीकों को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती है। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा, जो क्रिएटिविटी कर रहा होगा, जो चीज़ों को एनालिटिकल तरीके से सोच पा रहा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो जो क्षेत्र का सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों का आप कह सकते हैं सिद्धांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। अधिगम संबंधी क्षेत्र सिद्धांत कोट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी है, मैंने आपको बताया था अभी पिछले ही क्वेश्चन में, मैंने बताया कि वो चार जो मनोवैज्ञानिक हैं कोफा जी हैं, वर्डाइमर जी हैं, कुर्ट लेविन जी हैं, तो उनमें से आपके लास्ट में ये भी आते हैं कुर्ट लेविन, जो कि एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और ये जो क्षेत्र सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये कुर्ट लेविन जी ने ही दिया है, लेकिन ये गेस्टाल्टवादी की श्रेणी में आते हैं। और आगे कहा जा रहा है कि लेविन का क्षेत्र सिद्धांत समान शब्दावली में यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, यानी कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के वातावरण दोनों का परिणाम है, दोनों का फल है, जिसे सांकेतिक रूप से बी बराबर FPE द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, दैट इज गेस्टाल्टवादियों का। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? डेड डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि बैटरी का प्रयोग डेड डैश किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो रुचि की तो बात हुई नहीं है, ओके, सो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बुद्धि और व्यक्तित्व की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा भाटिया बैटरी के बारे में, सुना होगा, तो वो किसके लिए है? व्यक्तित्व के लिए है या फिर बुद्धि के लिए है? तो आई थिंक यहाँ पे आपका जो आंसर है वो व्यक्तित्व के लिए जाना चाहिए। सो यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन आपका ए नंबर होना चाहिए। मैं आपको एक बार क्लियर करके बता देता हूँ। यस, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर गाइस जो ए है वो नहीं होगा, क्योंकि व्यक्तित्व बैटरी का प्रयोग वहाँ पे हम नहीं करते हैं, हम वहाँ पे बैटरी का प्रयोग नहीं करते बल्कि कार्डों का प्रयोग करते हैं। शायद आपने कार्ड के बारे में पढ़ा ही होगा, कार्ड के बारे में हम व्यक्तित्व का वहाँ पे परीक्षण करते हैं और व्यक्तित्व को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैटरी का प्रयोग हम बुद्धि जानने के लिए करते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो 23 का जो आंसर है वो बन जाएगा आपका सी नंबर, दैट इज़ अ भाटिया बैटरी। सो मैंने आपको अभी भाटिया बैटरी के बारे में बताया भी है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यस, सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे जो बुद्धि भाटिया बैटरी है, बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था, यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। सो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसने दिया था? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज स्किनर, इन्होंने अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था। तो ये क्या है? ये इस अधिगम का अर्थ है किसी योजना के अनुसार शिक्षण या अधिगम की क्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। बी एस स्किनर ने वर्ष 1942-43 में सक्रिय अनुबंधन, अनुक्रिया सिद्धांत, क्रिया प्रसूद अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो अभिक्रमायोजित अधिगम का आधार बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उसे क्या बोलते हैं गाइस? तो आपको पता है उसको अधिगम बोलते हैं, इट मींस लर्निंग। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसको अधिगम बोलते हैं।
सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूत अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। सो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। तो जो संज्ञान है किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो आपको बताना है ये गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। जेपी गिलफोर्ड जी क्या बताते हैं और उनके जो सहयोगी हैं ने बुद्धि का त्रिविमी प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को तीन विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, पहला सामग्री, दूसरा संक्रिया, तीसरा उत्पाद। कुछ प्रकारों में चीजें हैं जो आपको जेपी गिलफोर्ड के जी के बारे में पता होनी चाहिए। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आय 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो मैंने आपको अभी बताया था मानसिक आय बटे वास्तविक आय, जिसे आप क्रोनोलॉजिकल आय भी बोलते हैं, उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी एक्चुअल बुद्धि लब्धि निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे 8 वर्ष का वो जो सुधीर है उसकी मानसिक आय 10 वर्ष है, यानी कि 8 वर्ष का सुधीर 10 वर्ष की उसकी मानसिक आय यहाँ पे मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 8 वर्ष का जरूर है लेकिन उसकी मानसिक आय 10 वर्ष के बराबर है, इसलिए यहाँ पे इसको राइट करेंगे 10। और वो है कितने वर्ष का, उसकी वास्तविक आय कितनी है, 8 है। तो यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 125 दैट इज डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, सो कहा जा रहा है कि संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो यहाँ पे यह किसने बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत बताते हैं कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। सो यहाँ पे बताया गया है इनके बारे में कि जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पे आधारित है। सो आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 के लिए कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगिक तनाव क्या कहलाती है। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाली जो संवेगिक तनाव है, जो टेंशन है, उसे हम कुंठा के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो कुंठा क्या है, मैकडूल ने 14 संवेग बताए हैं, किसी इच्छा की पूर्ति ना होने पर कुंठा संवेग की उत्पत्ति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। तो कोहलबर्ग जी का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या बताते हैं वो, नैतिक विकास कोहलबर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्यता, समाज से अपने संबंधों के बारे में वैयक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञान के समांतर चलता है परंतु इसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। तो यहाँ पे नैतिक विकास की जो बात है वो कोहलबर्ग द्वारा करी जाती है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही रखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2014 या 15 का कोई एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। सो आप वीडियो का इंतज़ार करेंगे, उसको जल्दी ही अपलोड किया जाएगा और निश्चित ही आपके एग्ज़ाम के पहले सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। यदि आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो चलो यार गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।